तो क्या मारेंगे नहीं? आगे पीछे देखे बिना कुछ भी बोलेगा तो पिटाई होगी ना। चुप रह। अगर वो ऐसी लड़की नहीं थी तो प्यार से मना कर देते, हॉस्टल ले जाकर मेरी ठुकाई करवा दी। तू इस जन्म में तुझे अकल नहीं आने वाली। ए, चुप कर बे। मेरे मामा पर हाथ उठाया मतलब मुझ पे हाथ उठाया है। तू मेरा असल दोस्त है, ये तो कभी ना है। मामा हॉस्टल कहाँ है? अबे ओए, ज्यादा नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं यार, यहाँ एक से बढ़कर एक फाइटर है यार। मैं साथ में हूँ ना, चिल्ला डाल। ओए, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्यों बे, मुझे अकेला देखकर मसाला की तरह कूट कर भेजा तुमने? ओए, ऊपर से झांक क्या रही हो तुम लोग? नीचे उतरो, अब आओ नीचे तुम लोग। अब मुझसे मुकाबला करो, देखता हूँ मैं। क्यों बुलाए हमें? अकेले नहीं आया हूँ मेरी जान, एक मर्द को साथ में लाया हूँ। बाजू हट, बाजू हट, हट तेरी माँ का। लीडिंग रोल तू ही कर रही थी ना इसमें, चल इधर आ। और तूने मेरे पिछवाड़े पर लात मारी थी ना, और तू तू मुझसे पहलवानी दिखा रही थी ना। अरे तेरे घर में भाई बाप नहीं है क्या? अब तो मैं तुझे ऐसे 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 दबा दूंगा। हाँ शुरू करना, शुरू हो जा, शुरू हो जा, शुरू हो जा। तूने मुझे क्यों मारा बे? मारना नहीं, काटना चाहिए तुम्हें। ये क्या रे? वुमेन सोल्जर। क्या है ये? वुमेन सोल्जर। मंदिर है ये? क्या है ये? मंदिर है। यहाँ कौन रहती है? लेडीज। देवियाँ। कौन रहती है? देवियाँ। और तू मंदिर में आकर इन देवियों को रुलाता है? इन देवियों ने मुझे रुलाया था। मैंने मैंने जानबूझकर तुझे यहाँ समझाने के लिए इन सबके सामने बुलाया। लड़कियाँ क्या होती हैं पता है? देवियाँ। महिला पता है क्या होती है? क्या होती? काली और दुर्गा। ये स्त्रियाँ क्या होती हैं? क्या होती है? देवी। और तू इन देवियों का अपमान करता है? ये पापी। अरे तुझे तो नंगा करके मारना चाहिए, लेकिन ये लेडीज हॉस्टल है इसलिए तू बच गया। लेकिन तूने तो मंदिर है। मैं चाहे जो कहूँ मेरी मर्जी। चाकू का है, पत्थर का है, पत्थर का है, चाकू का है, चाकू का है। अरे मैं से जान से मार दूंगा। किसने आपको बुलाया है? छोड़ दीजिए, मैं बात करूंगा। ये देख बे, ऐसी लड़कियों को तूने रुलाया है, अब यही देवी तुझे यहाँ छोड़ने के लिए बोल रही है रे। ओके, आपने कह दिया, मैं इसे छोड़ दूंगा। थैंक यू। लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं इसी हॉस्टल में रहती हूँ। क्या बात कर रही है, पर आप तो मुझे दिखी नहीं। मैं ऊपर थी ना, सॉरी मैं आपको अब तक गलत समझती रही। लेकिन अब यू आर डैशिंग जेंटलमैन। ओह थैंक यू जी, तुम ऐसे ही सोचो और मैं तुम्हें ऐसे ही बनाता रहूंगा। तू आगे ऐसे ही मारता रहेगा। एक्सक्यूज मी।